आगे बढ़ जाओ। आवाज तो उन सब असल अपने अल्लाह को तलब दिखाना है, अल्लाह ताला तलब वालों को नवाज दे। अमल को अमल के तरीके पर किया जाता है, उसका नफा जाहिर होता है। وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوست بزرگ بھائی، اللہ جل جلالہ نماز اپنے فضل و کرم سے ایک عظیم محنت کو چلایا، جس کو میں اور آپ دین کی محنت، دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت سے یاد کرتے ہیں، اور اس محنت کے اندر، اس مبارک محنت کے اندر مختلف اعمال ہیں، مختلف اعمال ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کا عمل، چلہ چار مہینے عشرہ دموں پہ شوقات کے لیے خروج بھی ہوتا ہے، مختلف موقعوں پر اپنی مساجد میں مختلف عنوانات سے ہمارا جڑنا ہوتا ہے، اور اسی اعمال میں سے بعض مرتبہ کبھی ضلع کی سطح پر، کبھی حلقوں کی سطح پر اجتماعات ہوتے ہیں، اور ہر ہفتے کے اعتبار سے ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ یہ مختلف موقعوں پر، مختلف مواقع پر ہمیں جوڑا جاتا ہے اور ہمیں جمع کیا جاتا ہے، اور ہمارے سامنے مذاکرے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ سب کیوں کروایا جا رہا ہے؟ اس کا ایک ہی مقصد کہ ہم سب کے اندر ہماری اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، کہ ہم نے شہر ایک اپنے آپ کو ذمہ دار تو سمجھتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اور جس نے جو ذمہ داری سمجھی اس کو اپنے وقت پر پورا بھی کر رہا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے اس کو متوجہ بھی کیا جاتا ہے، گھر والے اور اس پڑوس والے، دوست برادر اس کو متوجہ بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر مجمع وہ ہے جو اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے دنیا کاروبار کے تعلق سے، بلکہ اس کے لیے بعض مرتبہ آدمی اپنے دین کو بھی نقصان کر بیٹھتا ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ ذمہ داری ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے، لیکن صرف ہم اپنی دنیاوی حد تک ذمہ دار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس ذمہ داری کے احساس کو پیدا کرنے کے لیے ہمارا جوڑنا، کہ ہم پر کیا ذمہ داری ہے، کہ ہم پر دو ذمہ داریاں ہیں، اور ہم جتنا ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ کی مدد کے ساتھ ہماری اپنی زندگی گزرے گی۔ دینی اعتبار سے ہمارے پر دو ذمہ داری ہیں، پہلی ذمہ داری اپنی ذات سے اپنا آپ کو دیندار بنانا، یہ پہلی ذمہ داری ہے،
कि हर आदमी अपनी दात से अपने आप को दीनदार बनावे, ये अल्लाह का हम सबसे मुतालबा है और ईमान वाले बंदों से, ईमान वाले बंदों से। या अय्युहल लदीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। ये ईमान वाले बंदों से पहला मुतालबा ये है कि हम अपनी दात से अपने आप को दीनदार बनावे। इसके बगैर आदमी कामयाब नहीं हो सकता, इसके बगैर आदमी अल्लाह की रजा हासिल नहीं कर सकता। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहुम हमारे लिए आइडल एग्जांपल नमूना, कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए उनकी जिंदगी का पहला कि उन्होंने अपनी दास से दीन सीखा और अपनी दास से अपने आपको दीनदार बनाया। पहली जिम्मेदारी हम सब कि हम सब अपनी दास से अपने आप को दीनदार बनाए और वो दिन जो दिन अल्लाह को मतलूब है, एक दिन तो वो है और बाज आमाल वो जो हमने अपने अतबार से तय कर दिया और आदमी उसी पर लोगों को पड़कता है, उस पर लोगों को पड़कता है ये तो क्या दीनदार है। और बाजों ने चल आमल तय कर लिए उसी पर बस कर लिया, ये दीनदारी हो गई कि दीन किसका नाम है, दीन किसे कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से जिंदगी गुजारने का जो तरीके हयात लेकर आए उस पर अपने आप को डालना, इसका नाम दीन है। आसान है दीन, अल्लाह ने हम सब के लिए आसान दीन उतारा है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं, अल्लाह ने हमारे लिए आसानियां रखी, अल्लाह हमें तंगी में डालना नहीं चाहते। अल्लाह ने दीन बहुत आसान उतारा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से जिंदगी गुजारने का जो तरीका लेकर आए उस तरीके पर अपने आप को डालना, उसका नाम दीन है, उसका नाम दीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश से लेकर मौत तक, सुबह से लेकर शाम तक आदमी के साथ जितनी हाजतें, जितनी जरूरतें, जितने तकाजे लगे हुए हैं, इन जरूरतों को, इन तकाजों को, इन हाजतों को कैसे पूरा करना, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया। कयामत तक आने वाला आखिरी इंसान भी ये नहीं कह सकता इस समय में मेरे नबी का नमूना नहीं, इसलिए कि हमारे नबी पूरी इंसानियत के लिए नबी है। ला फतन इन्ना से बशीरों को नबी रहा, पूरी इंसानियत की तरफ भेजे गए हैं, पूरी इंसानियत की तरफ खादमुल नबी बनाकर भेजे गए हैं। तो कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए नबी अलैहिस्सलाम वाली जिंदगी में हमारे लिए रहबरी है, नमूना है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत एक जिंदगी सिखाई, एक जिंदगी सिखाई दीनदारी वाली, जिस पर चलकर आदमी हमेशा की कामयाबी हासिल कर सकता है। जैसे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बातों को सुना और उस पर अपने आप को डाला और हर हाल में डाला, हर हाल इताअत के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने आने वाले कयामत तक इंसानों के लिए उन्हें रहबर बनाया, कयामत तक इंसानों के लिए, और अल्लाह ताला ने उन्हें जो है दुनिया के अंदर जो परवाना अहले जन्नत को जन्नत के आखिर में मिलने वाला है रजामंदी का परवाना, वो परवाना अल्लाह ताला ने दुनिया में उन्हें अता किया। किस बुनियाद पर? दीनदारी की बुनियाद पर। और दीन वो जो मतलूब है, वो दीन जो अल्लाह क्या मतलूब है, जिस पर अल्लाह ने अपनी रजा को छुपाया है,
जिस पर अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की कामयाबी को छुपाया है, उस दीन को हमें अपने अंदर लाना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बल्कि तमाम अंबिया अकरम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतों के सामने जो दीन पेश किया उसमें सबसे पहले और बुनियादी जो बात रखी वो अपने दिल के रुख को अल्लाह की तरफ करने की बात रखी, ईमान की बात। ईमान बहुत बड़ी चीज है, बार बार उसको सुनते हैं, ईमान कितनी बड़ी दौलत है। इस ईमान की हकीकत को अपने दिल के अंदर लाना हर नबी की सबसे पहली ये दावत है। قولوا لا اله الا الله تفلحوا اور ہم اکرام علیہ السلام کے قرآن کریم کے اندر واقعات پڑھیں گے سنیں گے تو اس کے اندر یہ بات ہے وما من الہ الا اللہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اپنے علاقے والوں کو اپنی برادری والوں کو اور جن کی طرف یہ بھیجے گئے تمام کے سامنے یہ بات رکھی وما من الہ الا اللہ کہ دنیا کا جو سارا نظام ہمیں نظر آ رہا ہے वो एक अल्लाह के करने से होता है, एक अल्लाह के करने से होता है। और इस सारी कायनात को वजूद देने वाली जात एक अल्लाह की जात है, एक अल्लाह की जात है। ये सारी की सारी मखलूक अल्लाह के बनाने से बनी है। अल्लाह लहुल खल्क वल अम्र, खालिक कुल शय, तमाम चीजों का पैदा करने वाला, तमाम चीजों का बनाने वाला एक अल्लाह है, एक अल्लाह है। जब ये मखलूक अल्लाह के बनाने से बनी है तो इस मखलूक पर चलती भी अल्लाह की है। ये मखलूक अपनी जात से कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। ये सारा कायनात का जो निजाम नजर आ रहा है उसके पीछे अल्लाह की कुदरत काम कर रही है। और अल्लाह बड़ी जबरदस्त कुदरत वाला है, कोई भी चीज अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं। हम चौथा कलमा पढ़ते हैं बहु आला कुल शहीद, कोई बोला नहीं कदीर, बहु आला कुल शहीद कदीर। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज में चोटी से लेकर जिब्रील अमीन तक की ताकत आ गई। जो नजर आवे वो भी आ गया, जो नजर ना आवे वो भी आ गया। अल्लाह की कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। जैसे मखलूक बनने में अपने खालिक की मोहताज है, इस तरह मखलूक अपने तासीर को जाहिर करने में भी अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह की मोहताज है। उसका मामला तो काफर मोमिन के दरमियान है, कुल फयकुल, वो जो चाहे, वो जैसा चाहे, जिस तरह चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे कर गुजरे, वो इतनी ताकत वाला है। नामुमकिन को मुमकिन बना दे रहा है, हमारे लिए चीज नामुमकिन है जाहिर है, लेकिन अल्लाह उसको मुमकिन बना दे रहा है। हलाकत के नक्शों में हिफाजत करके दिखा दे रहा है। हलाकत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गार सौर में है, जाहिर में हलाकत का नक्शा है, दुश्मन करीब है, लेकिन अल्लाह ताला ने हिफाजत करके दिखाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में, जाहिर में हलाकत का नक्शा है, अल्लाह ने हिफाजत करके दिखाई। हलाकत के नक्शों में हिफाजत करके दिखा दे, और हिफाजत के नक्शों में अल्लाह हलाक करके दिखा दे। क्या लोगों ने जो है अगले कौमों में ऐसे हैं कि उन्होंने अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए बड़े बड़े प्लान बनाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अज़ाब आया तो उनके बेटे को कहा था कि हमारे साथ हो जा, तो उसने एक सबब पेश किया, साव इला जबल यासिमुन मिन अल्मा, मैं तो पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मेरी हिफाजत हो जाएगी। قال لا عاصم اليوم, क्या आज किसी की हिफाजत नहीं होगी? चाहे आदमी कितनी हिफाजत के इंतजाम कर ले, लेकिन अल्लाह ने हलाकत का क्या कर लिया है, वो हलाक होकर रह गए, हलाक होकर रह गए। बड़ी बड़ी कौमें आई, बड़ी बड़ी कौमें आई जिनका ये दावा था मन अशद मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कौन हो सकते हैं,
नबी के सामने चैलेंज किया था और अल्लाह के नबी से इस बात की मुतालबा किया कि तुम जिन अजाब का अल्लाह की तरफ से आने का वादा करे वो लाकर दिखा दो। तो अल्लाह ताला के यहां तो वमा यालम जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के यहां तो मुख्तलिफ किस्म के हलाकत के असबाब है, मुख्तलिफ किस्म के। जरूरी है कि अल्लाह ताला आदमी उसके सामने फरिश्तों को भेजे उसको मार दे रहे, अल्लाह के यहां तो मुख्तलिफ किस्म के लश्कर है, अलग अलग किस्म के। मामूली सी हवाई की हवा, थोड़ी सी अल्लाह के खजाने की हवा में से थोड़ी सी आई और उन पर चली, तो कअन्नहुम आजाद नखलिन खाबिया, ऐसे गिरे पड़े हो गए जैसे खजूर के तने दरख्त पड़े रहते हैं। हालांकि दावा करने वाले थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन और अपनी हिफाजत का सामान इख्तियार किया था, लेकिन अल्लाह वो है जो हिफाजत के नक्शों में भी हलाक करके दिखा देंगे, हलाकत के नक्शों में हिफाजत कर देंगे, इज्जत के नक्शों में जलील कर देंगे। इज्जत के नक्शे हैं, कानून के पास कौन से इज्जत के नक्शे नहीं थे, लेकिन जलील करके दिखाया, जलील करके दिखाया। बनी इसराइल के पास जाहिर में कोई साधो सामान नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत के नक्शों उनका कामयाब करके दिखाया और सारे जो फिरौन के जो सात चीजें थी उनके हाथ में दी, उनका मालिक बना दिया। तो अल्लाह बड़ी कुदरत वाले, इसका यकीन हमारे अंदर आ गया कि अल्लाह बड़ी कुदरत वाले। रात और दिन का निजाम कौन चला रहा है, एक अल्लाह चला रहा है, अपनी कुदरत से चलाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी कुदरत को बताने के लिए इंसानों के सामने इस बात को रखा कि अगर हम ताला शान हो हमेशा के लिए दिन बना दे, दिन रोशनी रोशनी, तो क्या तुम में से किसी की ताकत है कि रात के अंधेरे को लावे। फिर अल्लाह ने उसी आयत के बाद दूसरी जुमला रखा कि अल्लाह अगर रात के अंधेरी छा दे रहे तो क्या तुम में से किसी की ताकत है दिन का उजाला करके दिखावे। अल्लाह कुदरत वाले, रात और दिन का निजाम अल्लाह के हुक्म से चलता है, कभी अल्लाह रात को बड़ी कर देता है कभी छोटी कर देता है। अभी देखो सर्दियों की रात है एकदम बड़ी हो गई और गर्मियों में जहाँ ईशा के अजानों के वक्त इफ्तार करते थे सारे करते इफ्तार का वक्त होता था, अभी ईशा के अजान हो रही है, ये कौन कर रहा है, ये सब अपने आप नहीं हो रहा है। तू ले जुल लैल फिल नहार व तू ले जुल नहार फिल लैल, ये रात को दिन में दाखिल करना दिन को रात में दाखिल करना ये अल्लाह अपनी कुदरत से करता है। अल्लाह कुदरत वाले, अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं, अल्लाह बड़ी ताकत वाले हैं। अल्लाह की जात और सिफा ईमान के अंदर ही बात कि अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की जात और सिफात जो है उसका यकीन हमें अपने दिल के अंदर लाना है। अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह की बड़ाई। आप दोस्तों को मैंने आपने अल्लाह की बड़ाई को बोलना छोड़ा है, अल्लाह की बड़ाई को सोचना छोड़ा है और अल्लाह की बड़ाई को सुनना छोड़ा है, तो आज मखलूक का तासुर भी आपके दिल में आया है। मामूली मामूली हालत से मुतासिर हो रहे हैं, मामूली मामूली हालत से। हालांकि इस मुसलमान को और हम तमाम को दुनिया में आने के साथ सबसे पहला जो सबक पढ़ाया गया है और हमारे कान में जो आवाज डाली गई है वो अल्लाह की बड़ाई का आवाज डाली। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, दोनों कानों में पहले चार चार मरतबा तकबीर कही है और इस बात का हमें सबक पढ़ाया गया और हमको एक बात कही गई है कि हमने जिस दुनिया में कदम रखा है इस बच्चे से बात कही जा रही है, तूने जिस दुनिया में कदम रखा है तो दुनिया की मुख्तलिफ चीजों को देखेगा, ये सब छोटी है अल्लाह की जात बड़ी है। और एक जगह कहीं सुना मौला यूसुफ साहब अल्लाह फरमाया करते थे कि चार मरतबा तकबीर है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, चार मरतबा तकबीर। मौला यूसुफ साहब अल्लाह फरमाया करते थे अल्लाह ताला ने इस दुनिया को चार चीजों से बनाया है, अरबी दोस्तों अनासिर अरबा बोलते हैं, आग मिट्टी हवा पानी, जिस पर भी नजर डालेंगे इसका दखल होगा इसमें। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को चार चीजों से बनाया, आग मिट्टी हवा पानी,
चार मरतबा तकबीर कहलवा कर एक एक चीज की नफी कराई गई, एक एक चीज की नफी कराई गई कि इन चारों शब्दों से बनी हुई चीजें जो है ये सब छोटी है, अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह बड़े हैं। दुनिया में आया तो अल्लाह की बड़ाई का सबक पढ़ाया गया और रोजाना इस सबक को भूल न जावे, ये सबक हमें बराबर याद रहे। इसके लिए अजान के जरिए से हमें तकबीर सुनाई जाती है, अजान के जरिए से क्या दिन मशगलों में मशगूल है, ये सारे मशगले छोटे हैं, अल्लाह की जात बड़ी है। नमाज के हर रुक पर है, दो जगह बस अलग जुमला है, एक समी अल्लाह लिमन हमीदा और सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाकी सब जगह में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तकबीर बांधो तो अल्लाह अकबर, रुकू में जाओ तो अल्लाह अकबर, सजदे में जाओ तो अल्लाह अकबर, दो सजदों के अंदर अल्लाह, तकबीर ही तकबीर है। जिंदगी में अल्लाह की बड़ाई हम तमाम को समझाई गई और इस दुनिया से हम जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो बताओ क्या पढ़ते, रुकू सजदे वाली नमाज है, कोई रुकू सकता नहीं, ये क्या करने का है, ये चार मतलब तकबीर कह दो बस। दुनिया में आए तो अल्लाह की बड़ाई, दुनिया में रहे तो अल्लाह की बड़ाई, इस दुनिया से जा रहे तो अल्लाह की बड़ाई, कि अल्लाह की बड़ाई को, कि अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह बहुत बड़े हैं, उसकी बड़ाई हमारे दिल में लाना, और अल्लाह अपनी जात में से बड़े नहीं, अल्लाह अपनी जात में भी बड़े हैं और अल्लाह अपनी सिफत में भी बड़े हैं। वक्त नहीं ला शरीक लहु, वो तने तना है, उसकी बड़ाई में वो शरीक है, उसकी जात और सिफत में उसका कोई भागीदार कोई पार्टनर नहीं, वो अकेला है। तो अल्लाह की बड़ाई हमारे अपने दिल के अंदर लाना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब मखलूक में और मजमे में दावत देने को लिए कहा गया तो सबसे पहले इसकी दावत दिलवाई है, रब्बक फकब्बिर, कि अपने रब की बड़ाई बयान करो। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अज्मईन ने अल्लाह की बड़ाई को दिल में लिया था तो मखलूक से मुतासिर नहीं हुए थे। रबी इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रुस्तम के दरबार में अल्लाह की बड़ाई को लेकर गए तो रुस्तम के सामने डट कर उसको दावत दे रहे हैं। हयत तो फकीराना है, हयत फटी पुरानी है, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह की बड़ाई है, तो जमाने की सुपर पावर ताकत समझी जा रही है, लेकिन उसको डट कर दावत दे रहे हैं। बीच में दरिया है और सामने मखलूक है, अब क्या करने का, तो अल्लाह बड़े हैं दरिया तो छोटा है, इस यकीन के साथ अपने आप को दरिया पर सवार किया, अल्लाह बड़े, ये दरिया तो छोटा है और ये दरिया तो मखलूक है, इस पर तो अल्लाह की चलती है, इस पर तो अल्लाह की चलती है, तो अल्लाह की बड़ाई को दिल में लाना कि अल्लाह बहुत बड़े हैं और अल्लाह अपनी जात में भी बड़े हैं और अल्लाह अपनी सिफात में भी बड़े हैं। हमने उस अल्लाह को माना है और मकतब से हम उसको पढ़ के चले आए हैं, आमंतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि, कि मैंने अल्लाह को ऐसा माना जैसा कि वो है अपनी जात और अपनी सिफात में, कि जैसे अल्लाह अपनी जात में बड़े हैं अल्लाह अपनी सिफात में भी बड़े हैं, अपनी सिफात में भी बड़े हैं। अल्लाह का इल्म बहुत बड़ा, आगे का पीछे का ऊपर के नीचे का दाएं का बाएं का अंदर का बाहर का हो गया वो होने हो रहा है वो होने वाला है वो बहुत बिल्कुल निशीन आलिम, हर चीज को जानता है। हमको तो वजूद में आने के बाद पता चलता है पहले क्या था अभी क्या हो रहा है आइंदा आखिर तक क्या होगा, बहुत बिल्कुल निशीन आलिम, अल्लाह उसको जानता है। हमारे दिलों के अंदर क्या वसाविस उठ रहे हैं और हमारी नजरें कहाँ देख रही है, चाहे कितना पक्का गूगल स्कॉलर लगा दे मेरी आंखें कहाँ देखती है, या अल्लाह खाइन, अल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी सिफात में, या अल्लाह खाइन अल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, वमा तुख्फी सुदूर, कि आंखों के खयानत को
और दिलों के भेद को अल्लाह जानता है। अंदर क्या बाहर क्या, मैं बोल कुछ रहा हूं, अंदर कुछ पकड़ा है, अल्लाह उसको जानता है, अल्लाह उसको जानता है। मुनाफिक सिर्फ मुनाफिकी उसकी शुरू क्या है, हम गौर करें ये मुनाफिकी शुरू में आकर ये अल्लाह कह रहे थे हम तो आपको अल्लाह के नबी कहते हैं, लेकिन अल्लाह के झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्नहुम लकाज़िबून के बाहर से कह रहे आप नबी हैं लेकिन अंदर से तो आपको नबी नहीं मानते। अल्लाह अंदर के भेदों को जाने, दिलों के वसाविस को, अल्लाह तो बहुत करीब है, बहुत करीब है। तो अल्लाह अपने इल्म में बहुत बड़े हैं, अल्लाह का इल्म बहुत बड़ा है, कोई भी चीज अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है। अल्लाह इल्म के एतबार से बड़े हैं, अल्लाह सुनने के एतबार से, सुनना ये सुनना बहुत बड़े, एक साथ सारे मखलूक आपने अपनी जुबानों में बोलना शुरू करें, एक साथ सारी मखलूक और मुख्तलिफ जुबानों में बोले, अल्लाह सबके एक साथ सुनता है, चाहे जोर से बोले चाहे धीरे धीरे बोले। वो असल वो कौलकुम अभी जरूरी, हम जोर से बोले या आहिस्ता बोले अल्लाह उसको सुनता है, अल्लाह सुनता है। एक मिसाल पहले वो सब जिसके खुलासे की मिसाल है, एक चूंटी जो चलते चूंटी उसके दमी मतुल नमला, चूंटी के चलने की आवाज उसको भी अल्लाह सुनते हैं। हालांकि कितनी चूटियां यहां से चलना शुरू करे उसकी आवाज का हमें पता, उसकी आवाज का पता नहीं चलेगा, लेकिन उसकी चलने की जो हाथ है अल्लाह उसको भी सुनते हैं। अल्लाह सुनने के बाद इतने बड़े हैं, देखने के अधिकार से अल्लाह का देखना बहुत बड़ा, हम तो एक तरफ का देखते हैं, हम तो और एक हद तक देखते हैं, आदि चाहे कितनी तेज आंखों वाला हो लेकिन इसकी नजरें एक जगह जाकर रुक जाएगी, हद नजर बस एक हद तक रुक जाएगी। और एक तरफ का आदमी देखेगा, सीधे देखेगा तो पीछे का नहीं देख पाएगा, दाएं देखेगा बाएं का नहीं देख पाएगा, ऊपर देखेगा नीचे का गायब होगा। और अल्लाह अल्लाह तो हर जगह हर हाल में देखता है, अल्लाह हर जगह हर हाल में देखता है, इसका यकीन। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अज्मईन ने इस चीज को अपने अंदर पैदा किया था, इसको कहते ईमानियत, ये ईमान। इसके जरिए से आदमी अपने आप को ताब कर डालता है और इसके जरिए से आदमी अपने आप को मासर से बचाएगा, क्यों, ये समझेगा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देखता है, चाहे मैं बंद कमरे में हूं और कमरे में चाहे मेरे ऊपर चादर डाली हुई है लेकिन अंदर मैं क्या देखता हूं, वो तो अल्लाह देखता है ना, वो तो अल्लाह देखता है, अल्लाह देखता है कि मैं क्या देखता हूं। कोई चीज अल्लाह के बसीर, बसीर बारीक भी है, वो लतीफुल खबीर बड़ा बारीक भी है, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज पर अल्लाह की नजर है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चरवाहे को कहा था कि एक बकरी दे दो और तरकीब भी समझाए, तो चरवाहे के अंदर इस बात का यकीन था अल्लाह देख रहा, तो फौरन जवाब दिया वऐन अल्लाह वऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ चले जावे, अल्लाह तो देख रहा है, मखलूक देखे ना देखे, घर वाले देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देखते हैं। अल्लाह का देखना बहुत बड़ा है, अल्लाह सुनने के एतबार से बहुत बड़े, अल्लाह जानने के एतबार से वो बहुत बड़े। अल्लाह इनाम देने पर आवे तो अल्लाह का इनाम और नवाजना भी बहुत बड़ा है, और अल्लाह पकड़ करने पर आवे तो अल्लाह की पकड़ भी बहुत बड़ी है। इन अज़ाब रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ भी बहुत बड़ी। इसलिए दोस्तों सबसे पहला जो मुतालबा अम्बे करम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से किया वो ईमान का मुतालबा किया, इसका नाम ईमान है कि हम अपने दिल के रुख को एक अल्लाह की तरफ करें और इस बात के यकीन दिल में के अंदर बिठावे जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के करने से होता है और अल्लाह अपनी कुदरत से करते हैं और बिला शिरकत गैर करते हैं, बिला शिरकत गैर वहदहु ला शरीक लहु, अल्लाह का कोई पार्टनर कोई भागीदार नहीं कोई। तो एक तो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का यकीन हमारे अपने दिल में ला, और उसका जगह दिल है, दिल
ईमान मा वकर फिल कल्ब, आदमी का ईमान जो करार पाता है वो उसके दिल के अंदर करार पाता है। ईमान के ठहरने की, ईमान के बनने की जो जगह है वो दिल है। अंदर जाएगा तो फिर अंदर जो है वो बाहर आएगा, अंदर जो बाहर आएगा। अगर अंदर अल्लाह की ज़ात सिफात का, अल्लाह की कुदरत कामिला का और अल्लाह से होने का ये यकीन अंदर बना हुआ है तो फिर जाहिर आज़ा का इस्तेमाल ये सही उससे होगा। आप कि आप अल्लाह की कुदरत में गौर फिक्र करने वाली चीज़ों को देखिए, उसकी नज़र इबरत की नज़र होगी। कान कि कान अच्छी बातों को सुनेंगे, जुबान अच्छाई को बोलेगी, दिमाग अच्छाई को सोचेगा, क्योंकि अंदर अच्छा है, अंदर। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी का अंदर कमजोर है या किसी का अंदर का बिगाड़ है तो फिर इस सवाल इस्तेमाल होंगे अल्लाह की नाराजगी में। इस नजरों से देखना भी देख लेगा, ना देखना भी देख लेगा, देखना भी देखेगा, ना देखा ना भी देखेगा, और कानों से सुनना भी सुनेगा, ना सुनना भी सुन लेगा। मुख्तलिफ आवाज़ें, गाने बजाने, मौसीकी, जो आदमी के ईमान को एक तो पहले से खोखला और फिर इसको सुना तो और ज्यादा खोखला डालेंगे। म्यूजिक, म्यूजिक जो था म्यूजिक के आदमी के दिल के अंदर निफाक को पैदा करता है। आज हमने उसको बहुत हल्का लिया, मुस्तैन इकराम से पूछता है जिस म्यूजिक के साथ नाच दो उस नाच को सुन सकते हैं, अरे म्यूजिक के साथ कुरान उसको भी नहीं सुन सकते। तो जो नाद म्यूजिक के साथ हो और उसके अंदर आवाज बज रही है उस नाद को नहीं सुन सकते, तो जो गलत चीजें हैं उसको कैसे सुन सकते हैं। कि म्यूजिक जो है आदमी के दिल के अंदर निफाक पैदा, या अंदर कमजोरी आए तो कि इसको भी सुनेगा ही और कोई ना सुने, इस तरह सुनेगा तो भाई किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन उसके अंदर तो निफाक जा रहा है। ईयरफोन लगाकर, ब्लूटूथ लगाकर आदमी सुनता है, उसको सुन रहा है, तो अंदर जो है ईमान बिगड़ रहा है। ईमान बिगड़ेगा क्योंकि अंदर टोन जा रहा है, म्यूजिक जा रहा है। और ये यकीनी बात है, अलगिना तुम निफाक के बिना म्यूजिक आदमी के दिल के अंदर निफाक पैदा करेगी। अंदर गलत बना हुआ है, अंदर यकीन नहीं है तो उसका सुनना गलत हो गया, उसका देखना गलत हो गया, और उसका बोलना इसके जरिए से बजाय मखलूक को राहत पहुंचाने के और बजाय भले बातों को बोलने के, ये आदमी अपनी जुबान के जरिए से लोगों को तकलीफ पहुंचाएगा और अल्लाह की नाराज करने वाली चीजों को बोलेगा। हदीस में आता फजाइल सदका का, आप हजरत ने सुना होगा कि आदमी जो है अपने दोस्तों को खुश करने के लिए जुमला बोलता है ताकि दोस्त खुश हो जावे, हंस पड़े। मिजाज और मजा मना नहीं है, लेकिन जायज तरीके से, जायज झूठ ना हो इसकी इजाजत है, लेकिन जिसमें झूठ के जरिए से मजाक होती है तो झूठ ही झूठ है। झूठ क्या आदमी बार मरतबा अपने दोस्तों को खुश करने के लिए अपनी जुबान से जुमला निकालता कि दोस्त हंस पड़े, लेकिन वो जुमला अल्लाह को इतना नाराज करने वाला होता है जिसकी वजह से अल्लाह उसको जहन्नम में इतनी दूर फेंकता है जितना जमीन आसमान के दरमियान का फासला है, नहीं तो फरमाए मशरिक और मगरिब के दरमियान का फासला है। एक जुमला बोला है और लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन इससे अल्लाह नाराज है। आदमी अपनी जुबान से बाजे बदवा दे, आपने अपने तो हक बात, कोई भी अपने तो चौखा कह देने का, आदमी चौखा कहकर कितने के दिल तोड़ देता है। साफ कहने की मना नहीं है, लेकिन उलमा ने लिखा है हक बात हक तरीके से हक मौके पर कहनी चाहिए। हक बात कहना अच्छी बात है, हक कहना चाहिए, लेकिन उसका वो क्या बोलते हैं एक्शन रिएक्शन क्या होता है वो भी नहीं होना, वरना एक बार तो अच्छाई के लिए कहा और न मालूम उससे कितनों के दिल टूटेंगे, दिल टूटेंगे। इसलिए हजरत शेख ने फजाइल तकरीर में लिखा है जिस मुनकर का करने वाले की तरफ से इच्छा ना हो हमें भी जाहिर नहीं करना चाहिए। एक आदमी गुनाह कर, हमने गुनाह करके देख लिया, वाकई गुनाह कर रहा था, लेकिन मजमे में उसको टोक दिया क्यों ऐसा करता था, तो बात गई कि उसने तो छुपाया है और तुरंत जाहिर कर दिया।
कि जिस मुनकर का करने वाले की तरफ से इशारा हो हम उसको जाहिर नहीं करेंगे। आदमी जब अंदर कमजोर होता है तो फिर बोलना भी बोल देता है, न बोलना भी बोलता है, और बाज़े मर्तबा तो इतना खतरनाक बोलता है कि आदमी का दिल तोड़ देता है। इसे अल्लाह वाले ने कहा है, नबी के अशआर में एक बात मिलते हैं, जराहत सिनान लहल इंतियाम वला यल्ताम मा जराहत लिसान, कि तीर और तलवार के जख्म, कोई जख्म लग गया किसी से तो दवा दारू करने से, मरहम पट्टी करने से अच्छा हो जाता है, लेकिन जिसको जबान के जरिए से जख्म पहुंचाया गया और जबान के जरिए से किसी का दिल तोड़ा गया वो मरहम पट्टी करने से भी अच्छा नहीं होता, ये अच्छा नहीं होता। और आदमी एक झूठ को साबित करने के लिए न मालूम कितना झूठ भी मिलाता है। इसलिए हमारे अपनी जुबान का इस्तेमाल, ये अंदर गलत होगा तो फिर गलत जाएगा, ये हाथ का इस्तेमाल हमें गलत करेगा, हाथ का इस्तेमाल के बजाय यतीम के सर पर फेंक देके ये हाथ जुल्म के लिए उठेगा, ये हाथ गलत दस्तखत सिग्नेचर करने पर जावेगा, लोगों की नाहत तायदा में यह हाथ उठेगा। और किताबों में आता है सबसे बड़ा बेवकूफ वो इंसान है जो लोग किसी की दुनिया बनाने के लिए अपने आखिरत को नुकसान पहुंचावे, सबसे बड़ा बेवकूफ है। लेकिन मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा चचादार, मेरे महल्ले वाला, इसके लिए आदमी न मालूम इस बात से गलत और नाहक का क्या क्या साथ दे देता है, इस हाथ का इस्तेमाल कर लेता है कि आदमी अपने दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपने आखिर को नुकसान, ये सबसे बड़ा बेवकूफ बताया कि दुनिया तो बनेगी दूसरे की और नुकसान पहुंचाए अपने आखिर को। आदमी समझ रहा है क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को गलत में इस्तेमाल, मुआविन बन रहा है। और हमें तो बात कही गई तआवनु अलल बिर्र व तक्वा वला तआवनु अलल इस्म व उदवान, कि हम तो नेकी और खैर के काम में मुआविन बनेंगे, शर और गुनाह के काम में मुआविन नहीं बनेंगे, किसी के मददगार नहीं बनेंगे। इसलिए शरीयत ने तो हमें तक यहां तक हुक्म दिया कि अगर माँ बाप भी आदमी को कुफ्र शिर्क पर लाने की कोशिश करे तो उसमें भी उसकी इताअत नहीं है। और मखलूक की किसी भी लाताअत अल मखलूक फी मासियतिल खालिक, जिसमें अल्लाह की नाफरमानी होती हो उसमें मखलूक की कोई इताअत नहीं, चाहे कितना बड़ा आदमी आ जाए, जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो इसमें मखलूक की कोई इताअत नहीं। लेकिन अगर अंदर नहीं होता है तो बड़ा तो क्या, छोटे की भी आदमी ताबेदारी कर लेता है कि आदमी कहां गलत उठेगा, आदमी के कदम गलत चलेंगे, ये बजाय मसाजिद की तरफ चलने के ये गुनाहों की तरफ चलेंगे। क्या बात है, कुछ बात नहीं हुई, अंदर दिल के अंदर ईमान की कमजोरी है, अंदर अल्लाह की ज़ात और सिफात का यकीन नहीं है। इसलिए दोस्त बुजुर्गो, हम सबसे पहला मुतालबा ये है कि हम अपने आप को दीनदार बनावे और दीन पर चलाने वाली जो चीज है अंदर की ताकत वो ईमान बनाना है। ईमान में अल्लाह की ज़ात और सिफात का यकीन, अल्लाह की कुदरत कामिला का यकीन हमारे अपने दिलों के अंदर लाना। दूसरी चीज हमारे अपने ज़ाहिरी बदन, ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरा हमारे अपने जाहिर बदन का इस्तेमाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आ जाए, ये हमसे मुतालबा है, कुरान का मुतालबा है। मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि नबी अलैहिस्सलाम तुम्हें जो चीजें देवे, जो जिंदगी के अवामिर दे उसको ले लो, और जिन चीजों से मना करे उससे अपने आप को बचा लो, ये हुक्म है। ये नबी जो दे रहे उसको अपनाएंगे, और नबी अलैहिस्सलाम ने जिन चीजों से मना किया इससे हम अपने आप को बचाएंगे। और अल्लाह, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पैदाइश से लेकर मौत तक और सुबह से लेकर शाम तक आदमी के साथ जितनी हाजतें हैं, जितने तकाजे, जितनी जरूरतें लगी हैं, इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी रहबरी फरमाई, हमारी रहबरी फरमाई। इसलिए दोस्तों बुजुर्गो, ईमानियत के अंदर एक बात यह भी है कि हम अपनी जिंदगी को सुन्नत वाले तरीके पर लाए, बगैर सुन्नत नबवी के और बगैर इताअत के आदमी के ईमान की भी तकमील नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुन हवाहु तबअन लिमा जिक्तु बिही, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं बन सकता
जब तक इसकी ख्वाहिशात उस दिन के ताबे न हो जावे जिस दिन को मैं लेकर आया हूं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुन हवा, उसकी ख्वाहिशात उस दिन के ताबे न हो जाए तब अल्लिमा जीतु बिही, जिसको मैं लेकर आया हूं, यानी नबी इस्लाम लेकर आया। एक जगह भी फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलून अल्जन्नत इल्ला मन अबा, कि मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर जिसने इनकार किया। पूछा गया कि लमन अबा, इनकार करने वाला कौन है? और मन अतानी दखल अल्जन्ना व मन असानी फकत अबा, कि जिसने मेरी इताअत की वो तो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की और जिसने मेरी नाफरमानी को इनकार करने वाला। अम्मी और आप अम्मे सहरे के दिन भर में जो मैं सारी चीजें जो हमारी जरूरत है, खाना पीना उठना बैठना, जरूरत है जिंदगी के पूरा करने में, मैंने अपने आप को किसके ताबे बनाया? एक खाने का तरीका हुआ है जो अल्लाह के नबी इस्लाम ने हमें दिया, और एक अभी इंसानों का तरीका अपनाया हुआ है कि जानवरों की तरह गाड़ियों पर खड़े खड़े खा लो। एक तरीका तो ये भी है कि आदमी खड़े खड़े खा ले, अल्लाह ने हाथ दिया खाने के लिए, आदमी चम्मच से बगैर कोई गुजर नहीं और फैशन के तौर पर चम्मच का इस्तेमाल कर रहा है कि चम्मच से खाना खा लो, मेज पर खाने को फखर समझता है, मेज पर खा रहा है, जमीन पर बैठने खाना खाने के, और ये कहते थे मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, अब दिया जमीन पर बैठकर खा, ठीक है मजबूरी है कि सफर में और कहीं घर में सहूलत है कहते नीचे बैठ सकता है, लेकिन फिर भी उसकी आदत बना दी है कि टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे, और उसके लिए मुस्तकिल खरीदा जा रहा है, मुस्तकिल घरों में बसाया जा रहा है, इसको बच्चा उस पर बैठकर खाना खाएंगे। हम अपनी जाहिरी बड़ी बड़ी सुन्नत है और बड़ी बड़ी बातों बहुत दूर की है, ये रोजा रोजमर्रा के हमारी जो जरूरत की चीज है खाना खाना, दस्तरखान बिछाकर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने छोटे छोटे बच्चों को भी इसकी आदत सिखाई। अल्लाह के नबी सलाम के सामने एक बच्चा खा रहा था, इधर उधर हाथ फेर रहा था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया समिल्ला, अल्लाह का नाम लेकर खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, अपने आगे से खाओ, अपने आगे खाने की आदत। हम आराम करके रोजाना आराम करते हैं, एक तरीका तो वो है कि जानवरों की तरह थक कर मजलिसों में अपने आप को बिठा कर आए और बिस्तर पर पड़कर सो गए। एक दिन तरीका ये भी है जानवर की तरह के थका हारा आया और सो गया। और एक तरीका सुन्नत वाला तरीका है कि आदमी अपने आप को इशा के बाद अगर कोई दीनी तकाजे या अपने कोई दुनिया में सख्त हाजत नहीं है तो जल्दी से घर पहुंच जाए, याराना मजलिस से लगाने से हमें मना किया गया, दोस्तों की मजलिस से ऐसे ही। तो एक तो ये तरीका जानवरों वाला, और एक तरीका ये कि आदमी जल्दी रात पेशा के बाद घर में आ जाएगा और अपने मामूलात जो रात उसको पूरा कर लेगा, कुछ नहीं तो जल्दी से सो जाएगा, तस्बीह फातिहा पढ़ लेवे, बावजूद सोवे। तरीका ये इसके जरिए से कि आदमी सोने के मौके पर रोजाना अपनी मौत को याद करें। हम रोजाना सोने की दुआ पढ़ते हैं, जरा किसी जानने वाले से पूछ इसका मतलब क्या है। रोजाना हमें उसकी मौत की याद दिलानी कराई गई है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका बोलो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतो, ये जुमला जो है ना अमूतो, इसमें मौत की याद दिलानी है। अल्लाह मैं तेरे नाम पर मरता हूं, अभी वक्त ही सो रहा हूं, एक वक्त आवेगा हमेशा के लिए आदमी सो जाएगा हमेशा के। और एक जगह ये सुना पड़ा कि आदमी जैसे भी अपना रोजाना सोना जागना बनावेगा मौत भी उसकी इसी दर पर आवेगी। हम देख रहे हैं, हम अपने अपने सब का जायजा ले ले रहे हैं कि मेरा रात को सोना कैसा है, मैं रात को कैसे सोता हूं, क्या ईयरफोन मेरे कान में तो नहीं है और कोई अल्लाह को नाराज करने वाली चीज तो नहीं सुन रहा हूं। होता है बात, बात मतलब ऐसा हो जाता है, एक आदमी सो गया था ऐसे तो अच्छा है तो जरा मैंने कहा चलो अच्छा बयान सुनते होंगे हजरत, तो और ही कुछ हो रहा था, कब आप लग गए। इसलिए एक अल्लाह वाले ने फरमाया जब गुनाह का दिल में ख्याल आवे और गुनाह करने का दिल चाहे तो आदमी दो चीजों का ख्याल कर ले,
कि अल्लाह मुझे देखता है, इस साल में मेरी मौत आ सकती है। कितने शुदा का ख्याल करा कि अल्लाह मुझे और इस साल में मेरी मौत, और यूं फरमाया गया जैसे मरोगे वैसे उठोगे, कमा तमुतुन तहयौ, जैसे मरेगा वैसे आगे उठेगा। इसे दोस्तों सुन्नत नबी हुजूर वाले तरीकों पर अपना गमी में खुशी में हमें बांधा गया है, हम आजाद नहीं है। तो पहले जिम्मेदारी हम सबकी अपने आप को दीनदार बना और दीन में ईमानिया का दर्जा पहले ये मजबूत होगा कि फिर इमारत मजबूत रहेगी। मसलो करीबतिन तय्यिबतिन कशजरतिन तय्यिबतिन असलुहा साबित वफरुहा फिस समा। इस ईमान की मिसाल को मजबूत जड़ों के लिए, मजबूत जड़, ये जिस दरख्त की जड़ें मजबूत होती हैं उसका तना इतना ही मजबूत होता है, उसकी शाखें उसके फल फूल ये सब अच्छा ही अच्छा आता है। और जिसकी जड़ कमजोर हो, ये उस दरख्त का तना भी कमजोर, उसके ऊपर शाखा भी नीचे आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इमारतें बनाते हैं, छोटा मकान बनाते हैं, तो समझदार इंजीनियर क्या करते हैं, अंदर को मजबूत बनाते हैं पहले, कि ऊपर चाहे कितना अच्छा बना दिया लेकिन अंदर कमजोर है तो ये कब नहीं किया गया कोई पता नहीं। फाउंडेशन एक ईमानियत हमारे लिए अंदर ये जड़ों का काम देगा कि हमारी जड़ अगर मजबूत है, ईमानियत मजबूत है, फिर अवामिर का पूरा करना और मनिया से अपने आप को बचाना आसान है। साहब इकराम मुतमईन ने सबसे पहले इसको सीखा था, ये मेहनत इसके जरिए से सबसे बुनियादी जो चीज मतलूब है हम सब के लिए, ये ईमान को सीखना है। आपने बारा सुना कि मौलाना नहीं चाहते थे मौलाना लियास के, मैं इस तहरीक का नाम तहरीक ईमान रखता हूं। ये तो तहरीक ईमान, अपने ईमान को झंझोड़ना, अपने ईमान को ताकत देना। इसे दोस्तों पहली जिम्मेदारी मेरी आपकी हम सबकी है कि हम अपने दीन को सीखे, ईमानियत इबादत मामला माशरा अखलाकियात, ये पहले नंबर है। अपनी जात से अपने आपको दीनदार बना दें, ये पहली जिम्मेदारी। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। इधर उधर की गलियों में मत जाओ, सिराते मुस्तकीम पर अपने आपको बाकी रखो। साहिब की जगह बहुत अच्छी मजेदार नजर आती है लेकिन वो अल्लाह की नाराजगी की तरफ ले जाने वाली है। ये सिराते मुस्तकीम वाला रास्ता, ये कामयाबी वाला रास्ता दिखने में सीधा साधा है, करने में आसान है, लेकिन अल्लाह ने इसी में चैन सुकून आफियत मोहब्बत बरकत ये सारी चीजें अल्लाह ने इसी के अंदर छुपाई है। तो दीन वाला रास्ता, सिराते मुस्तकीम वाला रास्ता, ये जिम्मेदारी तो ये कि हम सबको अपनी जात से अपने आप को दीनदार बनाना। और दूसरी जिम्मेदारी इस उम्मत के अंदर पैदा होने के नाते से दूसरी जिम्मेदारी खत्म नबूवत वाली जिम्मेदारी है, और हम सब से इसका मुतालबा है कि हम दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन के मददगार बनकर जिंदगी गुजारे। कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के दीन के मददगार बनकर जिंदगी गुजारे। नाऊज़ बिल्लाह नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हमारी मदद के मोहताज नहीं है। अगर सारे दुनिया के लोग, सारे इंसान, सारे जिन्नात, अव्वलीन और आखिरीन का मजमा भी अगर सारे इंसान की तरह बन जावे, नेक बन जावे, तब भी अल्लाह की बड़ाई में ज्यादती होने वाली नहीं है। और सारे लोग अल्लाह के नाफरमान बन जावे तब भी अल्लाह की बड़ाई में कमी होने वाली नहीं है। तो फिर नफा नुकसान, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही वमन असा फअलैहा, जो करेगा नफा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो खुद भुगतेगा। हमें इस बात का मुतालबा है कि हम दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन के मददगार बनकर जिंदगी गुजारे। हम अल्लाह के दीन के मददगार बनेंगे तो क्या नफा होगा, एक तो बहुत बड़ा नफा कि हम अल्लाह के दीन के मददगार बनेंगे, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल होगी, ये यकीनी बात है। सूरह हज के अंदर 17वें पारे में एक आयत का छोटा सा टुकड़ा है, लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, अल्लाह ताला ताकीद है, नाम ताकीद नून ताकीद ताकीद है इसके अंदर कि अल्लाह ताला जरूर की जरूर उस बंदे की मदद करता ही रहेगा जो बंदा अल्लाह के दीन का मददगार बनकर जिंदगी गुजारेगा अल्लाह के दीन की मदद के साथ। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अंदर ये दोनों बातें थी कि उन्होंने अपनी जात से अपने आप को दीनदार बनाया और
अल्लाह के दीन के मददगार बनकर अपने आप को चलाए, अल्लाह के दीन के मददगार बनकर अपने आप को चलाए, और इस तकाजे को, अल्लाह के दीन के तकाजों को, अल्लाह के दीन की मेहनत को, अल्लाह के दीन की मदद को अव्वल नंबर पर रखा। इसके लिए कोई चीज उनके लिए रुकावट नहीं बनी, उनकी गुर्बत के दीन की मेहनत से रुकावट नहीं बनी। आमतौर पर सहाबा की पोजीशन गुर्बत वाली थी, उनकी मालदारी उनकी दीन की मेहनत से रुकावट नहीं बनी। मालदार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तो मालदार है, लेकिन हर मरहले में अल्लाह के नबी के साथ है। अब्दुर्रहमान इब्न अब्बास बड़े मालदार है, हर मरहले में उनके साथ है, और बड़े बड़े सहाबा मालदार थे, लेकिन दीन के तकाजे में कि अल्लाह के नबी के साथ है। उनकी गुर्बत उन्हें दीन की मेहनत से रुकावट नहीं बनी, उनकी मालदारी उनके दीन की मेहनत से रुकावट नहीं बनी, उनकी जवानी उनकी दीन की मेहनत से रुकावट नहीं बनी। भर जवानी, अभी शादी की तैयारियां हो रही है और सवाल का आवाज लगाए जा रहे हैं, यहाँ दीन का तकाजा है कि उस पर अपने आप को डाल दें। हजरत रजी अल्लाह अन्हु बसीरे मलाइका, हम रोजाना सुनते उनके वाकया कि पहले तो ग्राम की दुल्हन के साथ रात गुजारी है, अभी जनाबत के गुस्ल की तैयारी है और आवाज आ रही है, भर जवानी। उनके बुढ़ापे में उनका बुढ़ापा उन्हें दीन की मेहनत से रुकावट, चौरानवे बरस की उम्र में चले अल्लाह, उनकी बीमारियां, उनकी तंदुरुस्ती, उनकी जवानी, उनका बुढ़ापा, उनकी मालदारी, उनकी गुर्बत, उनकी गमी, उनकी खुशी, कोई चीज उनके लिए रुकावट नहीं बनी, जो उन्होंने दीन की मेहनत को और दीन के तकाजों को अव्वल नंबर पर रखा। तो अल्लाह की मदद है उनके साथ वैसी आई, हमें से हर एक कोई तमन्ना करता है तो अल्लाह की मदद है वो हमारे साथ आ जावे जो सहाबा के साथ, बहरे की तमन्ना होती है, चाहे आदमी नमाज में गफलत करता हो लेकिन तमन्ना तो इसकी रखता है। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब, अल्लाह कुदरत जरूर, अभी मौलाना असल में बात की, अल्लाह कादिर जरूर है हर चीज पर, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ भी चलाया है कि अल्लाह के सबब दी, अल्लाह की मददों को खुश नहीं कर रास्ते में, एक सबब यह है कि आदमी अल्लाह के दीन का मददगार बनकर दुनिया में चले। हम अल्लाह के दीन की मदद के लिए अपने आप को चला लेंगे, अल्लाह की मदद हमारे साथ आएंगे, हम अल्लाह के दीन के मददगार अपने आप को बना लेंगे, तो सबसे पहले अल्लाह हमें दीन से नवाजेंगे, हम अल्लाह के दीन के मददगार और दीन की मेहनत के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। बताना शान हो हमें जो है उम्मत के अंदर खैर के और दीन के जिंदा होने का अल्लाह हमें जरिया बना देंगे, और ये हमारी आखिरत की बहुत बड़ी कमाई होगी, बहुत बड़ी कमाई होगी। इसलिए गालिबन मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आदमी दुनिया में रहकर बांझ होकर न मरे। बांझ किसको कहते हैं कि जिस औरत का बच्चा ही ना हो, बगैर औलाद के इस दुनिया से चली जा रही, कि तुम बांझ होकर मत करो, मत पढ़ो। इसके मतलब ये है कि दुनिया के अंदर तुम अपने पीछे दीन की मेहनत करके जाओ ताकि तुम्हारे पीछे तुम्हारे आमाल का सिलसिला बाकी रहे। एक आदमी वो है कि जिन्होंने अपनी जात से अपने आप की इबादत कर ली और इस दुनिया से गया, और ऐसे सभी जो आदमी उसमें आ गया उसको अपने सामने नहीं रखा क्योंकि उसका अमल का रजिस्टर बंद। और एक आदमी वो है जो अपनी जात से कोई दीनदार है और लोग दीनदारी पर आने वाले बने, उसके लिए मेहनत भी कर रहा है। अल्लाह के नबी का फरमान है, अद्दालु अलल खैरि कफाइलिही, भलाई की तरफ बराबरी करने वाला, भलाई की तरफ दावत देने वाला भी ऐसा ही है जैसा कि खुद भलाई का काम करने वाला। इसलिए फजाइले सदकात में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह का वो मनकूज हजरत शेख ने लिखा है कि मौलाना कभी वज़्न में आकर और खुशी में आकर इस बात को फरमाया करते थे, लोग दुनिया में अफराद छोड़कर जा रहे हैं, मैं दुनिया में मुल्के विवाह छोड़कर जा रहा हूं, कि सबका अमल नमक का अजर व सवाब उनको मिलेगा। इससे दोस्तों हमारी हम सब की दूसरी जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी जात से अपने आप को अल्लाह के दीन का मददगार बना लें, अल्लाह के दीन की मेहनत के साथ अपने आप को चलाएं। इसके लिए मेहनत कैसे करना, इसके लिए अल्लाह शानू ने हमारे जमाने के अंदर एक आसान मेहनत को चलाया है जिसको हर आदमी कर सकता है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, मालदार, गरीब, छोटा, बड़ा, हर एक कर सके, ऐसी आसान मेहनत अल्लाह ने हमें दी है। और माशाल्लाह काम हो रहा है, काम करने वाले काम कर रहे हैं,
लेकिन मैं आप इस कश्ती में सवार हो जाएंगे तो हम हमारे की नैया पार लग जाएंगे। अल्लाह ने कैसे मेहनत की है, इस मेहनत के करने से हमें अपनी जात के लिए नफा होगा। ये अमल के तरतीब अल्लाह ने हमें अल्लाह वालों ने बताई है कि इसके अंदर हम अपनी जात से भी अपने आप को बचा सकते हैं। मेहनत करेंगे हमारी हिफाजत होगी, घर की तालीम के जरिए घर वालों की हिफाजत होगी, पहले गश के जरिए से मोहल्ले वालों की हिफाजत होगी, दूसरे गश के जरिए से पड़ोस का माहौल बनेगा, सहरोजा के जरिए से अतराफ जवान का माहौल बनेगा, चिल्ले चार महीने के जरिए से मुख्तलिफ सुबह का माहौल दिखाने वाला बनेगा, और बेरून के तकाजे पूरा करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला आलम में दीनदारी की वजूद लाने का अल्लाह जरिया बनाएगा। इसे दोस्तों अल्लाह ने हमें कासा मेहनत अता फरमाई है, इसके लिए हम इस मेहनत के अंदर हम अपने आप को लगाएंगे तो हम खुद भी दिन पर बाकी रहेंगे और अल्लाह हमें औरों के दिन पर आने का जरिया बना देंगे। इसलिए दोस्तों को तमाम नीयत बनाओ, इरादे करें कि इंशाल्लाह इस अजीम मेहनत को हम अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी जरूरत समझकर मुअत्तक करेंगे। हमको नीयत बना था, मैं भी नीयत बना, हम सब नीयत बना। नीयत तो बहुत बड़ी चीज है। अब इसको करने के लिए, उसको समझने के लिए, नबी वाला अदर अपने अंदर पैदा करने के लिए, नबी वाले फिक्र अपने अंदर पैदा करने के लिए अल्लाह वाले फरमाते हम बार बार अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह के रास्ते में निकले और चार चार महीने लगा। अल्लाह के बहुत सारे बंदे हैं जो अल्लाह के रास्ते में हर साल चार महीने लगा रहे हैं। जो अल्लाह उनका है वो अल्लाह हमारा भी है, जो अल्लाह उनके लिए आसान करे तो अल्लाह हमारे लिए भी आसान करेगा। इसलिए नियत है इंशाल्लाह जल्द से जल्द तरतीब बनाकर चार चार महीने भी अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे इंशाल्लाह। अब कौन है कह रहा है इंशाल्लाह जल्द तरतीब बनाकर मैं अल्लाह के रास्ते में चार महीने लगाऊंगा।